नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल चैनल नंबर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जिसमें हम बात करेंगे संस्कृत के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं हम एक रोचक कहानी और उसका शीर्षक है बुद्धिर बलवती सदा अब आपको मुझे लगता है बच्चों काफी हद तक इस शीर्षक को सुनकर पता चल गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं यानी कि हम बुद्धि की बुद्धिमता के बारे में बात करने वाले हैं किस तरह से किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को किसी समस्या से निकाला होगा आपको इस कहानी के ज़रिए बताया जाएगा लेकिन ये तो बात हुई कि हम इस अंदाजे के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन असल में इस कहानी में क्या हुआ है वो आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो चलिए उनसे आपका परिचय करवाते हैं आप सुश्री सरस्वती मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम जी नमस्कार अपने सभी देखने वालों को हम बता दें बच्चों की माम जो है पूर्व अध्यापिका है टी संस्कृत राजकीय सर्वोदय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय पूर्वी दिल्ली से आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो या फिर आप इस पाठ से जुड़ी हुई कोई भी बात हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे कर सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन और आप इसके अलावा हमें आप ईमेल भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास टेंथ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है पी एम ई विद्या क्लास नंबर टेन तो इस चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े हुए हैं यूँ ही जुड़े रहें और लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कॉमेंट आप ड्रॉप कर सकते हैं हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी प्रतिक्रियाएं और अपना सुझाव अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएंगे तो तो चलिए हम सीधे चलते हैं अब अपने एक्सपर्ट के पास अपने विशेषज्ञ के पास सरस्वती मैम काफ़ी हद तक जैसे हमने बताया आज के हमारा जो टॉपिक है बुद्धिर बलवती सदा तो हमें अंदाज़ा हो गया है कि इस कहानी में क्या कुछ होने वाला है लेकिन फिर भी इस शीर्षक के बारे में हम ज़्यादा जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इसका अर्थ लिया जाए मैम देखिए जैसा कि इसमें बुद्धिर बलवती सदा पाठ का नाम है तो इससे वैसे भी जो है क्लियर हो रहा है कि एक इसका अर्थ क्या है और क्या इसके अंतर्गत अंतर्गत कहा गया होगा बुद्धि बलवती अर्थात बुद्धि बलवती होती है और सदा मतलब हमेशा हमेशा तो यहाँ पे एक और चीज़ का है यहाँ पे कि बुद्धि जो है बुद्धि के साथ बलवती शब्द का प्रयोग है तो क्योंकि बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग का है जैसे जो संस्कृत के बच्चे हैं उनको पता होगा कि संस्कृत के अंतर्गत तीन प्रकार के लिंग होते हैं पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तो बुद्धि शब्द जो है अगर यहाँ पे कोई पुलिंग का शब्द होता तो यहाँ बलवान होता तो बुद्धि हमेशा ही बलवती होती है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा वहाँ पे जीत हासिल करते हैं तो इसमें इसी प्रकार की जो है कहानी के बारे में बताया गया है इसमें जो है एक महिला है जिसका नाम बुद्धिमती है उसकी चतुराई का वर्णन इसके तहत किया गया है ये जो कथा है वो सुख सप्त ग्रंथ है ठीक है वहां से लिया गया है जी। और उनके जो है जो राइटर हैं या लेखक है वो चिंतामणि भट्ट जी हैं जी तो ये तो आपने बताया कि ये जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है और कौन उसके लेखक है मैम हम इस कथा के पास भी जाना चाहेंगे तो इस कथा को शुरू करें मैम जी बिल्कुल देखिए जैसा कि इसमें अब मैं शुरू करती हूँ शुरू करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाह रही हूँ आप पीपीटी देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लाइड है सामने देखिए यहाँ पे आपको क्लियर होगा हुआ हो रहा होगा कि एक जंगल दिख रहा होगा आपको एक बाघ दिख रहा है है ना एक महिला है दो बच्चे हैं साथ में तो क्या इसमें जो चतुराई का वर्णन जो किया गया है कि चतुराई का जो है आ, किसने किसने चतुराई की के, के अंतर्गत तो क्या बच्चों ने की किसी महिला ने की या बाघ ने की है तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं अब हम शुरू करते हैं देखिए अस्ति अस्थि लाख्यो ग्राम देउल अर्थात देउल नाम का कोई ग्राम है और यहाँ पे अस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है प्रारंभ में जिसका अर्थ जो लिया गया जो लिया जाएगा वो आसीत के तरह लिया जाएगा आसीत मतलब था देउल नाम का कोई ग्राम था तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसती स्म वहाँ राज, राज सिंह नाम का राजपुत्र निवास करता था एकदा केनापी आवश्यक कार्यण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृह प्रति चलिता देखिए कोई एक बार किसी आवश्यक कार्य से जो भार्या है तस्य भार्या तस्य भार्य अर्थात कस्य भार्या राज सिंह से भार्या जो राज सिंह है उसकी जो पत्नी है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता दो पुत्रों के साथ उपेता अर्थात युक्ता दो पुत्रों के साथ पितुगृहम प्रति पिता के घर को चलती है मार्गे गहन कान ने सा एकम व्याघ्रम दर्श अब मार्ग में क्या होता है कि बहुत घना जंगल है घन कान अर्थात बहुत ही घना जंगल है सा एकम वह क्या करती है एकम व्याघ्रम दर्श एक ब, जो है बाघ को देखती है अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि घना जंगल है है ना वहाँ पे फिर साथ में दो बच्चे हैं छोटे छोटे अब वो जा रही है अकेले अचानक से कोई भी अगर दिखेगा उसे अब देखिए जंगल है वहाँ पर तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर मनुष्य तो नहीं दिख पाएंगे वहाँ पे क्या दिखेंगे आपको जंगली जानवर दिखेंगे और जानवर भी कैसे खूंखार जानवर होंगे मतलब कि वो आप पर अटैक कर सकते हैं अगर आप जाते हैं तो अब ये जो महिला है क्योंकि अकेली है है ना साथ में दो बच्चे हैं तो अब वो अचानक से देख के कैसा अपने आप को फील कर रही होगी वहाँ से भागने का सोच रही होगी कि बच्चों को वहीं छोड़ना चाह रही होगी या खुद वहाँ पर उसके भोजन का भोजन बनना चाह रही होगी और बच्चों को भगाना चाह रही होगी किस तरीके की जो है भावनाएं उस समय उसके मन में आ रही होंगी तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आगे जो है कौन चतुराई इसके अंतर्गत दिखाएगा और कौन बचेगा क्या वो बच्चे जो है बाघ का भोजन बन जाएंगे क्या वो महिला जो है बाघ की जो है भोजन बन जाएगी या तीनों बच पाएंगे हम आगे की कथा जो है कंटिन्यू करते हैं सा व्याघ्रम आगछनम वह महिला व्याघ्र को आते हुए देखकर दृष्टवा देखकर धाष्ट्रयात पुत्र चपेटया प्रहृत्य जगाद अपने पुत्र को जैसे वो देखती है कि दूर से जो है बाघ को आती हुई देखती है तो जोर से अपने ही दोनों बच्चों को क्या करती है थप्पड़ से मारती है और कहती है कथम एक कई व्याघ्र भक्षणाया कलहम क्रू था कि कैसे तुम दोनों एक एक बाघ को खाने के लिए इस तरीके से लड़ाई कर रहे हो अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम अभी क्योंकि एक ही है ना तो इसको बांटकर कर ऐसा करो आधा आधा तुम लोग खा लो पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्य थे अब दूसरा कोई दिखाई अभी दे रहा है बाघ दूसरा कोई दिखाई देगा या दूसरा दिख रहा है उसको क्या करना फिर उसको खा लेना अभी तो तुम एक एक करके ही इससे ही काम चलाओ एक में ही आधा आधा बांट कर खा लो अब देखिए ये महिला ऐसा क्यों कहती है और ये किसको सुनाने के लिए, के लिए कहती है ठीक है ये देख लेते हैं आगे इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काची दियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट ऐसा सुनकर आ, कौन सुनता है ऐसा यहाँ पे बाघ जो दिख रहा है आपको पिक्चर के अंदर ये बाघ सुनता है ऐसा कि अरे ये तो कोई व्याघ्र मारी दिख रही है ऐसा जो है ना कोई बाघ को मारने वाली दिख रही है ऐसा मानकर जो बाघ है भयाकुल चित्तो यानी इसका कि जो चित्त है जिसका जो मन है भय से बहुत ज़्यादा डर से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो चुका है और वो चला जाता है वो वहां से भाग जाता है तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आ, आ, जो महिला है ना सिर्फ उसने अपनी जान बचाई बल्कि अपने दोनों बच्चों की जान बचा ली तो, तो आगे एक श्लोक है मैं आ, मैं पढ़ देती हूँ निज बुद्धिया विमुक्ता साया अन्योपी बुद्धिमान लोके मुचते मह तो भयात अर्थात कि निज बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि के द्वारा सा भामिनी विमुक्ता वो जो भामिनी है वो जो स्त्री है वो जो सुंदरी है वो विमुक्त हो जाती है वो मुक्त हो जाती है किससे मुक्त होती है भयाद व्याघ्र से वो डरे हुए जो जो बाघ है वहाँ पर उससे वो मुक्त हो जाती है अन्योपी बुद्धिमानों के अन्य लोग भी जो लोक में देखे जाते हैं वो भी क्या कर सकते हैं भयानक से भयानक भय से मुक्त हो सकते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जी जी तमाम तो ये तो श्लोक रहा और आपने कहा कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो व्यक्ति है वो अपने आप को किसी भी समस्या से निकाल सकता। जी जी। ये हम इस कहानी का जो संदेश है वो ले सकते हैं जी जी। तो ये तो बात हुई संदेश की ये तो बात हुई कहानी की जो छोटी थी पर रोचक थी यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और क्या आपके पास गतिविधियां हैं या कुछ प्रश्न है या जो बातें हैं जो आप हमारे सभी दर्शकों तक विद्यार्थियों तक आप करना चाहेंगे कथा अभी समाप्त नहीं हुई है अभी कहानी जी, अभी भी है।, और है? जी, जी जी, जी तो उसको मैं अभी आगे कंटिन्यू करती हूं। अच्छा एक और मैं फिर यहाँ पे बच्चों से ही पूछना चाहूंगी हुँ। जो हुँ। कमेंट कर सकते हैं तो की कहानी को तो खत्म यही हो जाना चाहिए था लेकिन कहानी अभी भी आगे चल रही है तो क्या ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं है कि बाघ वापस आ रहा है क्योंकि बाघ भाग गया बच्चे बच गए जो मदर है वो ही बच गई और एक और चीज यहाँ सोचने वाली है बात यह है कि मदर क्योंकि साथ में है है ना अगर हम अपनी कोई भी अगर आता है कोई भी अगर हमारे पास मुसीबत आती है तो पहले हम अपनी जान बचाने की बात करते हैं हम किसी और की जान बचाने से पहले पहले हम क्या सोचते हमारी जान बच जाए लेकिन यहाँ क्योंकि मदर है तो मदर का जो जो प्रेम है जो बच्चों के प्रति जो प्यार होता है वो भी देखने को मिलता है कि मदर अगर चाहती तो भाग सकती थी है ना वो भाग सकती थी बच्चों को वहाँ छोड़ सकती थी कि अच्छा मैं तो भाग जाऊँगी चलो बच्चों को खाने में भाग लगा रहेगा मैं बच जाऊँगी मेरी जान बच सकती है लेकिन वो ऐसा नहीं करती है वो क्या करती है वो ऐसा कुछ करती है क्योंकि ब.. बच्चे हैं उसके उससे और बच्चों का जो बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो मुझे लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत है कि माँ का अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम रहता है तो यहाँ पे ना सिर्फ मतलब वो रिस्क लेती है अपने जान को भी जो है वहाँ पे रिस्क ले लेकर चलती है कि मेरी भी जान भी जा सकती है लेकिन वो ऐसा वहीं पे बच्चों के साथ रहकर उसका सामना करती हैं और फाइनली उसको वो अपने आप को बचाती है और बच्चों को भी बचा लेती है तो कथा देखिए यहाँ तक तो है कि कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन कहानी जो है खत्म नहीं हुई तो देख लेते हैं कि क्या बाघ वापस आके खाने वाले हैं क्या क्या और भी झुंड में लोग जो आएंगे कि और भी लोगों को लेकर आये मुझे लगता है कि शायद और महिला भी देखिए बहादुर है कि वो अकेली आ रही है तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और जिन लोगों को जो भी समझ में आ रहा है जो लोग जुड़े हुए हमारे साथ वो कमेंट करके बता सकते हैं आगे चलते हैं भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित धूर्त श्रीगाल हसन्ना भयाकुल यानी भय से डरे डरे हुए व्याघ्र को देखकर कोई धूर्त श्रीगाल कोई धूर्त सियार हसन्ना हंसते हुए ये हसन जो लिखा हुआ है यहाँ पे हस धातु है और क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है आह कहता है हंसते हुए कहता है वो जो, जो, जो सियार है क्या कहता है देखिए भगवान कुतः भयात पलायता कि आप कहाँ से इस तरीके से डरते हुए आ रहे हैं तो व्याघ्र देखिए क्या बोलता है गच्छ गच्छ जम्बूक जाओ जाओ जम्बुक जाओ जाओ, जाओ जाओ सियार त्वपी कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कहीं पर जाकर गूढ़ प्रदेश को चले जाओ तुम भी कहीं जाकर हो सकता है तो छुप जाओ कहीं यहाँ पे मत दिखो क्योंकि य तो व्याघ्र मारिती या शास्त्र श्रूयते जो हमने सुना था कभी कि बाघ को मारने वाली शास्त्र में ऐसा सुना जाता है कि बाघ को कोई मारने वाला होता है तो वहाँ पे मैंने क्या किया तया हम मेरे द्वारा हंतुम आरब्ध परम गृहित कर जीवी जीवितो नष्ट शीघ्र तदाग्रत मेरे द्वारा जो है ना देखा गया वो मुझे मारने के लिए आई थी वो जो व्याघ्र मारी है जो कि बाघों को मारने वाली है वो मुझे मारने के लिए आई थी लेकिन गृहित कर जीवितो अपने जीवन को अपनी हथेली पर ग्रहण करके रख कर मैं वहां से शीघ्र भाग आया यहाँ पर मैं पहुंच गया तो देखिए श्रीगाल को तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि बाघ से तो सब डरते हैं बाघ को डराने वाला कौन हो गया और वो भी कौन तो मनुष्य तो इसको बहुत ही जो है अचंभा होता है बहुत ज्यादा ये अचंभित हो जाता है और फिर देखिए क्या कहता है श्रीगाल व्याघ्र हे बाघ त्वया महत कौतुकम आवेदितम कि तुम्हारे द्वारा जो है ना बहुत मुझे अजीब सी चीज़ बताई गई है जो कि विश्वास करने योग्य तो है ही नहीं युषा मानुशा, मानुषादअ अपनी विभेषी कि क्या मनुष्य से भी तुम डरते हो ऐसा है क्या शेर बाघ चीते जो जंगली जानवर है उससे तो क्या हो? उससे तो मनुष्य डरते हैं या और लोग डरते हैं लेकिन यहाँ पे तुम उनसे डर रहे हो ऐसा कैसे हो रहा है ये तो नहीं होना चाहिए तो व्याघ्र देखिए क्या कहता है प्रत्यक्ष मेव मया प्रत्यक्ष रूप से ही मेरे द्वारा स आत्म पुत्र एक कई माम अतुम मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही यानी मैंने वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है कि मुझे खाने के लिए उसके जो दोनों पुत्र थे कलहाय मानव लड़ते हुए जो दोनों पुत्र आपस में लड़ रहे थे मुझे खाने के लिए उनको क्या करता है करती हो महिला चपेटया थप्पड़ से प्रहरंती दृष्टा थप्पड़ से मारते हुए मैंने क्या किया उनको देखा कि वो थप्पड़ से मारती है कि वो दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों खाने के लिए लड़ रहे थे कि मैं अकेला अकेला ही खा जाऊंगा मैं मुझे एक शेर पूरा एक बाग कंप्लीट चाहिए पूरा पूरा बाग मुझे चाहिए तो उसको मारते हुए मैंने उस महिला को देखा जो उस धुरता को देखा देखिए फिर जम्बू क्या कहता है स्वामिन यत्र आस्ते साधुरता तत्र गम्यता कि जहाँ पर वो स्त्री है ना जहाँ पे वो धुरता है जो धूर्त स्त्री है वहीं हमें चलना चाहिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी बच्चों कि अव्य पदों का जो है अव्य पद के बारे में आपने सुना होगा कि अव्य पद क्या होते हैं तो उनका प्रयोग आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर बहुत ज़्यादा किया गया है मैं इसको फिर से बता देती हूँ कि अव्य पद होते क्या हैं अविपद वे पद होते हैं या वे शब्द होते हैं जिनका कि कोई विभक्ति नहीं होता है है ना उनकी विभक्ति नहीं चलती है उनका वो जैसा है वो एज इट इज ही सारे सेंटेंस के अंतर्गत प्रयोग में आता है जैसे कि यदा हो गया कदा हो गया तरही है यहाँ पे आपने देखा कि यत्र हो गया तत्र हो गया ये कहीं भी किसी वाक्य में प्रयोग होंगे तो कभी बदलेंगे नहीं ये जैसा है वैसा ही रहेगा जैसे राम के में तो रामेन आ जाता है, है ना राम आ जाएगा रामस से आ जाएगा कृष्ण से आ जाता है लेकिन यत्र में यत्र नहीं आएगा यत्रा नहीं आएगा तत्रा नहीं आएगा से नहीं आएगा ये जैसा है पर ये वैसा ही सभी वाक्यों में प्रयोग में आता है तो ये एक काम आप कर सकते हैं कि इसमें से अव्य पदों को आप छाँट सकते हैं प्रैक्टिस के लिए ह। हम आगे चलते हैं देखिए कि वो कहता है कि जहाँ पे धूर्त महिला है जहाँ पे धूर्त है स्त्री है वहीं चलना चाहिए व्याघ्र हे बाग तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि इक्षते यदि तभी त्वया अहम हंतव्य अगर वहाँ पर जाने के बाद वो अगर फिर भी दिखती है वहाँ पर अगर वहाँ दिख गई कि वो महिला वहीं पर है तब मैं आपके द्वारा मारे जाने योग्य हूँ तब आप मुझे क्या करना मार देना लेकिन मेरी बात मानकर आप ऐसा करो आप वहाँ पे चलो तो देखिए बाघ जो है आप बच्चों को आपको क्या लगता है बाघ जाएगा क्या साथ में या इतना डरा हुआ है कि वो नहीं जा पाएगा आपको जैसा भी लगता है यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं व्याघ्र व्याग देखिए क्या बोल रहा है श्री गाल हे सार यदि तुम माँ मुक्तवा यदि तुमने मुझे छोड़ दिया ठीक है और छोड़ के यासी यासी मतलब भाग गए अगर तुम तुम अगर भागते हो मुझे छोड़ के तदा वेला पे वेला सत वे अवेला साथ मतलब कि जो समय है ना वो असमय में बदल जाएगा इसलिए तुम मुझे छोड़कर भागना नहीं तुम मेरे साथ ही रहना तो देखिए जम्बू क्या कहता है अच्छा जम्बू क्यों बार बार उसको जो है फोर्स कर रहा है कि तुम मेरे साथ चलो तुम वहीं पर चलो वो महिला है क्या वो क्या चाह रहा है क्या वो जाके महिला को मारना चाह रहा है उन बच्चों को मारना चाह रहा है या वो बाघ को मरवाना चाह रहा है कि दुश्मनी है उसकी बाघ से ऐसा क्या है होने वाला क्या कुछ ये भी आप मुझे बता सकते हैं ठीक है जम्बू का देखिए क्या कहता है यदि एवं तरही माम निज गले बधवा चल सत्वरम अच्छा बाघ बाघ वो कहता है कि अच्छा आपको ऐसा लगता है क्या कि मैं भाग जाऊंगा आपको छोड़ के वहाँ से तो आप ऐसा करो अपने आप को मुझसे बांध लो अपने आप को मुझसे रस्सी से बांध लो या कैसे भी मुझे बांध लो तो मैं तो अकेला नहीं भाग पाऊँगा अगर मैं भागने की कोशिश भी करूँगा तो मैं भाग तो नहीं पाऊँगा तो इसलिए अब मेरे साथ आप चलो स व्याघ्र तथा काननम यय वह जो बाघ है वैसा ही करता है और जंगल की ओर चल देता है श्रृगालेन सहित पुनरायतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतवती चिंतितवती देखिए सियार के साथ पुनः आते हुए ठीक है ना सियार के साथ पुनः आते हुए देखकर बुद्धिमती सोचती है कि फिर से बाघ वापस कैसे आ गया ये मुझे मारना चाह रहा है क्या ये मुझे खाना चाह रहा है क्या या इसको लेकर आया है कि दोनों मिलकर मुझे मारेंगे या इसके साथ और भी लोग हैं क्या जो मुझे मारना चाहते हैं और देख कर देखिए जो जनरली होगा वो लोग डर जाएंगे आ, किसी को भी देख के बाघ वगैरह तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई अभी अचानक से बाघ आया और साथ में क्या है सियार भी है तो महिला और भी ज़्यादा डर सकती थी और भागने की कोशिश कर कर सकती थी लेकिन ऐसा वो नहीं करती है देखिए जम्बू जम्बू का कृतोत्साह व्याघ्रात कथम मुच्यताम ये सोचती है जम्बू के के द्वारा जो उत्साहित जो बाघ हैं उससे अब बचा कैसे जाए परम प्रत्युत्पन्नमति सा प्रत्युत्तपन्नमति अर्थात जिसके दिमाग में जिसके मति में तुरंत से उपाय सूझ जाते हैं तुरंत से उपाय आ जाते हैं परिस्थितियों से लड़ने के लिए ऐसी प्रत्युत्पन्नमति वह जो महिला है बुद्धिमती वो क्या करती है जम्बू को आक्षेप करके ठीक है जम्बू की साइड जैसे जो है उंगली से ऐसे देखती है और कहती है कि अरे देखिए क्या बोलती है रेरे धूर्त दत्तम अरे धूर्त तेरे द्वारा महियम व्याघ्र पूरा तेरे द्वारा मुझे इससे पहले तीन बाघ दिए गए थे विश्वास मानी कथम यासी वदाधुना और ऐसा विश्वास करके मैं तुझ पर विश्वास कर लिया कि तू मुझे डेली जो है तीन बाघ लाके देगा लेकिन ऐसा तूने क्यों किया कि आज तू तो एक ही लेकर आया है बाघ मेरे सामने और एक बाघ लेकर आया है और तुरंत चला जा रहा है यहां से भागा जा रहा है अब ये मुझे बता अब देखिए महिला क्या करती है उस सियार पर ही बोल देती है कि तू तो डेली तीन बाघ लेकर आ रहा है मतलब वो क्या दिखाना चाह रही है जो बाघ है उनको कि कि तू डेली तो लेकर आता था लेकिन आज क्या किया तूने आज तूने आज तो तू लेकर नहीं आया ये तो तूने गलत किया तो फिर वो सियार क्या करता है वो जो शेर है जो बाघ है सॉरी जो बाघ है वो सोचता है कि अरे ये क्या ये तो मेरे जैसा ही है ये तो मतलब मुझे ही मरवाना चाह रहा है तो ये ऐसा सोच कर क्या सोचती है कि महिला महिला जो है मुझे बार बार बोल रही है और सियार जो है मुझे बांध कर लाया है तो मतलब ये जो सियार है इसी का ही क्या है भेजा हुआ है महिला द्वारा ही भेजा गया है मुझे बुलाने के लिए और मुझे जो है ये सियार मरवाना चाह रहा है और ऐसा करके वो क्या करते हैं भा बाघ जो है भाग जाता है तो आपने यहाँ पे देखा कि ना सिर्फ एक बार बल्कि बार बार जो है आ, दो बार ऐसा हुआ इसके साथ कि वो दोनों बार जो है वो महिला ना सिर्फ अपनी जान बचाती है बल्कि अपने बच्चों की जान भी बचा लेती है तो वहाँ से सियार और बाघ भाग जाते हैं तो आ, हम इससे ये संदेश ले सकते हैं बच्चों कि हम लोग भी चाहे हमारे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों कभी भी तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए कि अच्छा हम भाग जाएँ या उससे हम डर जाएँ या अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं करना होता है आपको क्या करना होता है उससे लड़ना होता है और सिर्फ लड़ना ही नहीं होता है आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे जीतना भी होता है और जब आपने ठान लिया कि मुझे किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करनी है तो मैं बता सकती हूँ ये मैं कह सकती हूँ जो अब तक मेरा अनुभव रहा है कि आप उसमें जीत हासिल कर लेंगे जी। तो ये हम इस कथा का संदेश ये ले सकते हैं कि बच्चों अगर आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो भी आपको अपना संयम और धैर्य जो है वो नहीं खोना है आप संयम और धैर्य बनाकर रखें फिर देखें आपके पास प्रॉब्लम तो है डेफ़िनेटली लेकिन उसका सोल्यूशन भी आएगा तो आपको सोल्यूशन पे फोकस करना है प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है मैम यहाँ पर हम आपको बता दें कि तकरीबन चार मिनट का समय हमारे पास शेष है सत्र के लिए जी, तो जी। और क्या क्या बातें हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो आप हमारे सभी दर्शकों तक साझा करना चाहेंगे आ, मैं कुछ जो अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेती हूँ वर्बली ठीक है आ, स्लाइड पर आप देख सकते हैं जैसे देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है एक पदेन न उत्तरम लिखता हूँ बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शन यहाँ पे जो लोग ट्रांसलेट इजीली कर पाएंगे तो यहाँ पे आप कर पा रहे होंगे कि बुद्धिमती व्याघ्र को अर्थात बाघ को कहाँ देखती है देखिए बच्चों यहाँ पे अव्य पद का प्रयोग आया कुत्र ठीक है कुत्र ये प्रश्न है वैसे आ, प्रश्न के लिए प्रयोग होता है कहाँ जो है संस्कृत के अंतर्गत यत्र है तत्र है ये सारे अव्य पद हैं तो यहाँ पे कुत्र का प्रयोग है कुत्र मतलब कहाँ तो बुद्धिमती जो है व्याघ्र को कहाँ देखती है तो पाठ के अंतर्गत हमने देखा था कहाँ पे देखती है तो गहन कानने ठीक है घने जंगल में देखती है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा गहन कानने हो जाएगा दूसरा प्रश्न देख लीजिए भामिनी कया विमुक्ता भामिनी अर्थात जो वो स्त्री है किसके द्वारा विमुक्त हो जाती है किसके द्वारा मुक्त हो जाती है तो वो बुद्धि बुद्धि से विमुक्त होती है यानी बुद्धि के द्वारा मुक्त हो जाती है और किससे होती है वो जो बाघ है और जो सियार है उनसे वो मुक्त हो जाती है सर्वदा सर्वकारेशु का बलवती हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है तो ये आपको पाठ के माध्यम से पता चल गया होगा कि हमेशा जो बलवती कौन होती है तो पाठ का नाम ही था आपका बुद्धि बलवती यानी बुद्धि ही हमेशा बलवती होती है आगे देख लेते हैं व्याघ्र कस्मात विभेति व्याघ्र जो है किससे डरता है तो व्याघ्र जो है उस महिला से डरता है जो बुद्धिमती नाम की जो महिला है उससे डरता है प्रत्युत्पन्न मती बुद्धिमती किम आक्षेप अंति जो प्रत्युत्पन्न मती वो जो महिला है बुद्धिमति उसने किसके ऊपर आक्षेप करते हुए बोला था तो वो आपने देखा हुआ पाठ के अंतर्गत कि उसने जो आक्षेप किया था वो सीआर के ऊपर आक्षेप किया था यहाँ प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं तो अब हम कुछ ग्रामर के कर लेते हैं जैसे संधि है बहुत संक्षेप हाँ बहुत संक्षेप में ठीक है चलिए जैसे संधि है संधि विच्छेद के बारे में आपने पढ़ा होगा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं क्योंकि Uh, कक्षा दसवीं के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो अच्छे से परिचित होंगे वो संधि से uh, जैसे है पितुर्गृह तो इसका वो आपको क्या करना है संधि विच्छेद करना है इसका आ जाएगा पितु गृहम ठीक है विसर के साथ पितु आ जाएगा और गृहम आ जाएगा अन्य अपी है तो इसका आ जाएगा अन्योपी इतिक्वा इतुक्ता इतुक्ता हो जाएगा यस्ते यत्रास्ते, यत्रास्ते. जी 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 तो ये तो कुछ अभ्यास रहे बच्चे जो आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें या आपकी पाठ्य पुस्तक में ही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों को मैम बहुत ही अच्छे से ये कहानी जो है पसंद आई होगी आपको समझ में आई कि इस कहानी का संदेश क्या है और इस कहानी के माध्यम से आप तक क्या बात पहुंचाई जा रही है समय है कि हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें लेकिन जाने से पहले सरस्वती मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते थी, हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से पूरा पाठ हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाया साथ ही अपने सभी देखने वालों को हम ये कहेंगे कि आप कहीं मत जाइए आप बने रहें ई विद्या चैनल पर और अब एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंट्रैक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि साइंस के टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और हमारा टॉपिक रहने वाला है लाइफ प्रोसेसेस तो किस तरह क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं आप ज़रूर उस सत्र में जाने यूँ ही बने रहें अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति नमस्कार